हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है हीमअप सिरप, जो कि कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है। और इसकी खास बात यह है इस सिरप की कि इसे शुगर वाले पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट भी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर दिया गया है शुगर फ्री। तो ये सिरप जो है शुगर फ्री आती है और 200 ml की पैकिंग में ही आती है और 163 रुपये इसकी MRP है। बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में, डोज के बारे में बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, सावधानी के बारे में बात करेंगे और इसके साथ कौन सी मेडिसिन नहीं दी जाती, ये सबसे ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो हीमअप जो सिरप है यह एनीमिया वाले पेशेंट में दी जाती है। एनीमिया आप जानते होंगे क्या होता है। एनीमिया होता है आयरन की कमी, खून की कमी, हीमोग्लोबिन जो है जिनमें एनीमिया हो जाता है। अब एनीमिया कई प्रकार से होता है, किसी में कुपोषण की वजह से, किसी में आयरन ज़्यादा खर्च होता है, प्रेग्नेंट लेडी में हर मंथ में आयरन की कमी हो जाती है उनके पीरियड्स के कारण, तो इस कारण भी आप में आयरन की कमी हो सकती है, या फिर आपको उचित आहार, उचित पोषण नहीं मिल पाता जिस प्रकार का खाना मिलना चाहिए आपको। हरी सब्जियाँ हैं, सलाद वगैरह है, वह नहीं मिल पाती जिससे कि हमारे शरीर में आयरन का बन सके। यह आपको नहीं मिल पाता है तो भी आप में आयरन की कमी हो सकती है। बात कर लेते हैं हम आयरन की कमी होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें आयरन की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है। तो लेजीट्यूड मतलब होता है रोगी सुस्त रहता है और सामान्य कार्य करने पर भी उसकी सांस फूलने लगती है, यह रोग देखे गए हैं। और बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगता है, फैटिक होने लगता है और उसका हार्ट जो है वह मशीन की तरह गड़गड़ाहट आवाज़ करने लगता है, पेल्पिटेशन बोलते हैं इसे। हृदय गति बढ़ जाती है, टेकीकार्डिया हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद कम आने लगती है उसे, सिर दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, कानों में झंझनाहट की आवाज़ सुनाई देती है उसे, और सिर में हथौड़े जैसी आवाज़ भी आने लगती है, कानों में घंटी बजने लगती है, और उसकी जो देखने की क्षमता है, उसकी विज़न है, वह भी डिमनेस हो जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है, छाती में उसके भारीपन लगने लगता है, हाथ पैर की उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, यदि व्यक्ति बैठा है तो उसके पैर सुन्न होने लगते हैं। ये सब हो सकता है यदि एनीमिया किसी कंडीशन में होता है किसी व्यक्ति में, तो ये सब हो सकते हैं। उसके छाती में दर्द होने लगता है, उसकी छाती भी चौड़ी होने लगती है, ये सब एनीमिया के प्रभाव है जो आप देख सकते हैं, किसी भी पेशेंट में पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को एनीमिया हो गया है। तो बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में क्या है। तो इसकी खास बात है इसे प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती हैं, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वे महिला भी इस सिरप को आराम से ले सकती हैं और जेंट्स लोग भी इसे ले सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे 3 साल से ऊपर के लोगों में, 3 साल से 10 साल तक के बच्चे आप इसे 5 ml ले सकते हैं सुबह और शाम, आसानी से आप दे सकते हैं। और 10 साल से 15 साल तक के बच्चे इसे आप ले सकते हैं 7 ml सुबह और शाम दे सकते हैं, आप इसे शाम 7 ml दे सकते हैं। और 15 साल से जितने भी ऊपर वाले एज के जो व्यक्ति हैं आप उन्हें 15 ml 2 बार दे सकते हैं सुबह और शाम, 2 बार आप इसे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने डॉक्टर की सलाह से। बात कर लेते हैं मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, हीमअप सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आपको जो आपकी मल का कलर है वह चेंज हो सकता है, हल्का सा काला हो सकता है, या फिर आपको हेडेक हो सकता है, या पेट में दर्द हो सकता है, या स्किन पर रैशेस हो सकते हैं आपको, ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो आमतौर पर यही साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साथ कौन सी मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए जिससे कि इसका प्रभाव कम रहता, हमारे शरीर पर उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है। तो टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, वे आयरन के जटिल यौगिक बनाकर आयरन को निष्क्रिय कर देते हैं, मतलब इनमें इनके काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं। वो जो विटामिन ई है वह भी आयरन को प्रभावित करते हैं। और पेनिसिलिन जो मेडिसिन है उसे भी आपको इसके साथ नहीं देना है, और जो कैल्शियम है उसको भी आपको इसके साथ नहीं देना है, ये इसके प्रभाव को कम कर देती है, उतने अच्छे प्रकार से ये काम नहीं कर पाती है। तो ये तो होगा इसके, बोला आपको किस मेडिसिन नहीं देना है इसके साथ, आपको सावधानी क्या बरतनी है। तो आपको सावधानी ये बरतनी है कि किसी व्यक्ति को
लीवर या किडनी जैसी कोई समस्या हो उस व्यक्ति को आपको नहीं देना है, और जो व्यक्ति अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनको भी आपको इसे नहीं देना है। और आपको इसे लेने के बाद ना तो लेने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे तक चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, लेने के पहले भी और लेने के बाद भी आपको इसे चाय कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना है। ये आपको सावधानी बरतनी है। आप इसे लंबे समय तक भी ले सकते हैं, 1 से 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने तक आप इसे ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जब तक आपकी एनीमिया वाली कंडीशन, आयरन की कमी पूरी ना हो तब तक आप इसे ले सकते हैं। और अगर ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए तो हमारे वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।